अगर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा सक्सेस चाहते हैं, अगर आपके पास बड़े सपने और बड़े गोल्स हैं लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो ये बुक समरी मोटिवेशनल वीडियो खास आप ही के लिए है। आपको पता है कि आप बेहद कैपेबल इंसान हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आप कहाँ से शुरू करें। बड़े गोल्स और बड़े सपने तो आप देखते हैं, लेकिन ये नहीं तय कर पा रहे कि उन्हें हासिल करने के लिए क्या करना है। लेकिन फिर भी आपको ये पता है कि आप खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं और दुनिया पर अपना बड़ा प्रभाव डालना चाहते हैं। अगर इनमें से कोई भी बात आप पर लागू होती है तो आपको इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहकर जरूर देखना चाहिए। आपके सक्सेस को निश्चित बनाने की ठोस चाबी है अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेना। ये सबसे पावरफुल चीज़ है जो आप अपने जीवन को बदलने के लिए कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन पर 100% कंट्रोल पा सकते हैं, जो आपके फ्यूचर के सभी गोल्स और सपनों को हासिल करने के आपके चांस को बढ़ाएगा। ऐसी 2 या 3 चीज़ों को लिखे जिन्हें आप अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए 100% जिम्मेदारी लेने के लिए करते हैं। एक बात याद रखें कि आपके जीवन में तब तक कुछ भी बदलाव नहीं आ सकता जब तक आप खुद अपने लिए एक्शन नहीं लेते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आए, तो इस बदलाव की शुरुआत आपके साथ ही होगी। आप या तो किस्मत पर भरोसा कर सकते हैं, या आप अपने मन चाहे रिजल्ट्स को पाने के लिए 100% जिम्मेदारी खुद ही ले सकते हैं और अपनी ताकत और अफोर्ड से सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं जानते कि आप कौन हैं और किस चीज़ में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपके लिए आपकी आइडियल लाइफ को डिज़ाइन करना लगभग इम्पॉसिबल होगा। आपके इंटरेस्ट को जानना आपको मुश्किल निर्णय लेने में मदद करता है, जैसे कि आप कोई जॉब छोड़ने, किसी रिलेशन को ओवर करने, या अनवांटेड लोग और परिबलों को अपनी लाइफ से बाहर निकालने के लिए एक्सेट्रा। एक तरफा निर्णय लेने की आपकी एबिलिटी ड्रामेटिक रूप से आपकी लाइफ के डायरेक्शन को अच्छा इम्पेक्ट करेगी। अगर आपकी लाइफ आपके काम से लगातार स्ट्रगल चल रही है और आप हर पल खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं, तो ये समझना कि आप शायद अपनी स्ट्रेंथ से विपरीत काम कर रहे हैं। इन्हें सोल्व करने के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना होगा, और जब तक पूरी तरह अपनी स्ट्रेंथ के वाकिफ ना हो तब तक इन्हें फाइंड आउट करने पर लगे रहना होगा। जो आप बनना चाहते हैं और जो आप हासिल करना चाहते हैं, उनके बारे में आप दुनिया को तब तक नहीं बताते जब तक आपका कोई सपना सच नहीं होगा। अपने जीवन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आपको यह एक डिसीजन लेना चाहिए। आपको तय करना होगा कि आप क्या बनना चाह रहे हैं। फिर हर दिन आपको उस तरह का इंसान बनने के लिए कमिटेड होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले यह तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं, और फिर हर दिन ऐसे इंसान की तरह ही काम करें जैसा आप बनना चाहते हैं। इंटीग्रिटी का सही पता तब लगता है जब आप कोई काम कर रहे हो और उस काम का पता किसी और को ना हो, यानी जब आपके आसपास कोई मौजूद ना हो। कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी और अपने विशेष को रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि सही में आप इन्हीं के लिए मायने रखते हैं। अब खुद की थिंकिंग्स की रिस्पेक्ट करने के लिए आपको खुद के साथ ईमानदार होने की प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप अपने जरिए चूज की गई लाइफ को जीने के लिए ज़रूरी और कड़े बदलाव कर सके। ये आपको दूसरों के साथ ओरिजिनल रूप से ईमानदार होने की प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर करेगा, ताकि आप इंपॉर्टेंट रिलेशंस का निर्माण कर सके जिससे आपको और आपके सामने वाले दोनों को फायदा हो सके। क्या आप सही में खुद पर विश्वास करते हैं? क्या आपके पास अंदरूनी आत्मविश्वास है कि आप अपने माइंड के हिसाब से कुछ भी करने के लिए तैयार हो? अपने सबसे बड़े गोल्स और सपनों को हासिल करने के लिए आपको अपने आप पर और अपने पॉइंट ऑफ व्यू में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा। हालांकि अभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना कम हो सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक स्किल की तरह है, और किसी भी दूसरे स्किल की तरह इसे सीखा और डेवलप किया जा सकता है। अगर आप अपने अंदर सटीकता से सेल्फ कॉन्फिडेंस का निर्माण करते हैं, तो आपके लिए सब कुछ पॉजिटिविटी के साथ चेंज होना शुरू हो जाएगा। रियलिटी कुछ यूनिवर्सल लॉज के हिसाब से चलती है, लेकिन जब आप रियलिटी को नज़रअंदाज करते हुए चीज़ों को अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी मनचाही लाइफ को डिज़ाइन करने में कभी सक्सेस नहीं होंगे। रियलिटी का एक सटीक मॉडल तैयार करने के लिए आपको यह समझना चाहिए कि सक्सेस एक प्रोसेस है, कोई घटना नहीं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप अपने लिए कौन सी डेली हैबिट्स को लागू कर सकते हैं, आप किन पर्टिकुलर टास्क पर ज़्यादा फोकस लगा सकते हैं। इनके लिए आपको अपने आप को रियलिटी के साथ अलाइन करना होगा। खासकर लोग प्रेजेंट मोमेंट्स को ट्रीट करते हैं जैसे कि एक बाधा है जिसे उन्हें दूर करने की सख्त ज़रूरत हो। रियलिटी के बारे में हमारी ये धारणा आमतौर पर बेहद गलत है। रियलिटी को देखने में आपका रोल एक्ट्स को देखने और उन्हें आजमाने का है, ताकि आप अपने आसपास के एनवायरमेंट से वैल्यूएबल रिएक्शंस हासिल कर सकें। अगर आपके पास स्पेसिफिक गोल नहीं है, तो आप अपनी लाइफ दूसरों के गोल्स को पूरा करने में बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म गोल्स को तैयार करें, और इनके लिए डेली स्मॉल गोल सेट करें, ताकि आप छोटे गोल्स को पूरा कर बड़े स्पेसिफिक गोल की ओर आगे बढ़ सके। अब जो भी आपका विजन है, उनके लिए आपको अपने गोल्स की तरफ सही प्रोसेस करना होगा,
और उन गोल्स के हिसाब से रिजल्ट गेन करना होगा। ये दोनों ही बेहद जरूरी है, इसलिए अपने काम करने की प्रोसेस से बेहद लगाव करना सीखें। मतलब कि आप जो काम कर रहे हैं अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए, वो दिल से करें, मन लगा कर करें, जिनसे आप निश्चित रूप से अपने गोल्स को आसानी से हासिल कर पाएंगे और स्लोली स्लोली आप अपने सबसे बड़े गोल को रियलिटी में तब्दील कर आपके सामने ला पाएंगे और सही मायने में यही आपकी सबसे बड़ी सक्सेस कहलाएगा। और अगर आप और भी डीप में जानकारी पाना चाहते हैं सक्सेस के बारे में, तो ये बुक मास्टर योर सक्सेस टाइमलेस प्रिंसिपल्स टू डेवलप इनर कॉन्फिडेंस एंड क्रिएट ऑथेंटिक सक्सेस आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जो लिखी है सक्सेसफुल पर्सनल डेवलपमेंट ब्लॉगर एंड ऑथर थिबर्ट म्यूरस ने। इस बुक को खरीदने या ऑनलाइन ई बुक डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। सक्सेस इजंट समथिंग दैट हैपेंस ओवरनाइट थैंक्स टू वन लकी इंसिडेंट। सक्सेस इज अ प्रोसेस, इट इज रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट हार्ड वर्क एंड कैरिड आउट स्ट्रेटेजिकली ऑन अ डेली बेसिस एंड सस्टेंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप कनेक्टिंग विथ अस ऑलवेज।